जब औरत मर्द के निकाह में आ जाती है रूसा, तो उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहता सिवाय हाकिम और महकूम के। मैं माँ से बात करूं? सफाइयां दोगी मेरी? यार सफाइयां तो तब दूं ना जब वो तुम्हें जानता ना हो। इसी बात का तो मुझे दुख है। कोई आपको जान के भी कैसे अनजान बन सकता है? खैर ये बातें छोड़ो, तुम मुझे बताओ कब झगड़ा खत्म करोगी? इस बार तो झगड़ा खत्म करके ही आई हूं मैं। क्या मतलब समझू मैं इस बात का? अनिया मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह सकती हूँ। मैं खुला ले लूंगी। अरे से तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या फिजूल बातें सोचती रहती हो तुम? तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है इस टाइम पे, तो मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है और हो जाती है मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ, लेकिन अब तो खुशखबरी भी आ रही है। देखना बीबी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अनिया ये सब कुछ बच्चे के आने के बाद ठीक नहीं होगा। ये शामिर के पर्सपेक्टिव के बदलने के बाद ठीक होगा सब कुछ। लेकिन सेपरेशन तो नहीं हलना है सबका। देखो अनिया मैं एक वक्त में सिर्फ एक बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ और शामिर के माँ बाप अभी जिंदा हैं। तो जो फाइल्स आपने साइन करवानी है मुझे भेज दें, मैं देख लेता। हेलो। हाँ शामिर, क्या हाल है? खैरियत? यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी है भी और शायद नहीं। ठीक है मैं ऑफिस में हूँ, तुम आ जाओ, लंच भी साथ कर लेते हैं और तुम्हारी जरूरी बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मम्मी मुझे तो सुकून आ गया, शुक्र है। उफ। मेरा सुकून बर्बाद हुआ है। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया? फोन ही तो नहीं उठा रहा कम्बख्त, कब से ट्राई कर रही हूँ। उनतहा मुझे तो लग रहा है वो कोई और नया गुल खिलाने वाला है वो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो तुम्हारी याददाश्त बहाल हो गई। सुनो घर जाओ तो अम्मा से कहना कि मैंने सलाम कहा है, और ये भी कि अभी उनकी बेटी जिंदा है। सुनो ये जो तुम सुबह शाम रुहेल को पटियां पढ़ाती रहती हो, बहुत पुरानी हरकत हो गई है। मसलन कौन सी पटियां पढ़ाई मैंने? अच्छा अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं, इतनी भूली है ना आप। ये जो दोनों मर्दों को इस घर के तुमने बेवकूफ बनाया हुआ है ना, सब दिखता है मुझे। तुम्हारी घटिया ज़हनियत का इलाज दुनिया में किसी दवा के पास नहीं, इसलिए मैंने तो उम्मीद छोड़ी। अच्छा और मैं कौन हूँ, इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? ऐसे मेरे मुंह लगती रहती है। उसको छोड़ो, मुझे फ्लैट की रजिस्ट्री निकाल दो। हाँ मुंता बात सुनो मेरी। बताओ मुझे कहाँ है फ्लैट के पेपर्स? कौन से फ्लैट? कौन सा फ्लैट? जो मैंने तुम्हें दिया था। रोहिल अंदर अंदर ही पड़े हुए होंगे ना। अच्छा जा लेकर आओ। क्या हो गया आपको, अभी मिल जाएंगे? प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, प्लीज मुझे बताओ पेपर्स का।
अम्मी को पता होगा, मैं अम्मी से पूछती हूँ। मुंतहा अम्मी, ये सब आप ही की डील का नतीजा है। आपने कभी भी भाई पे इस मामले में सख्ती नहीं की। वैसे तुम्हें भी उरुसा को कुछ समझाना चाहिए। दादो मैं कितना समझाऊं उसे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। भाई कितनी ज्यादती करते हैं उसके साथ। मैंने तो खुद आज सुबह अच्छा खासा डांटा है मीरू को। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको कि आप भाई से खुद बात कर लें, वरना मैं उनसे बात करूंगी। क्या समझाएं मैं, तुम खुद ही बता दो। यही कि आप अरूसा के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती है, उसने जानबूझकर रोहिल को भेजा था तुम्हारे पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या अरूसा को इल्हाम हुआ था कि मैं रोहिल के साथ थी? तो फिर तुम खुद रोहिल के साथ गई थी अपनी मर्जी से, ये बात मान क्यों नहीं लेती तुम? मैं जहां भी थी और जिसके साथ भी, ये आपका मसला नहीं। आप मेरी जात को बुनियाद बना के अपना और अरूसा का घर बर्बाद करना छोड़ दें। इसकी छोटी अकल में बात क्यों नहीं आ रही है कि इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है उस घर में? मीरू उसे छोड़ो, तुम अपने मामला को सुलझाओ। वैसे एक बात तो मैं भी कहूंगी, तुम अक्सर अरूसा के साथ ज्यादती कर जाते हो। ऐसी क्या कयामत आ गई, ऐसा मैंने क्या कर दिया उसके साथ? कयामत तो तब आएगी जब अरूसा आपके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवाएगी, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं रहना चाहती।